वेलकम टू पीआर किचन फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपने किचन में बैंगन की कुछ डिफरेंट सी सब्जी बनाते हैं। इसको हम बैंगनी बोलते हैं। देखिए, इसके लिए एक मैंने ये भरता वाला बैंगन लिया, मोटा वाला। और इसमें मसाले आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा हल्दी भी लिया हुआ है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखिए, अभी बैंगन को हम लोग इस तरह से काटेंगे। और बैंगन जो होता है आयरन से बहुत भरा हुआ होता है, इसलिए इसको पानी में डालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये ब्लैक पड़ने लगता है। और इसका जो थिकनेस होगा वो 1 सेंटीमीटर के करीब होगा। इस तरीके से मैं पूरे स्लाइसेस कर लूँगी और इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी। बैंगन का आयरन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप बैंगन को अपने रेगुलर डाइट में ज़रूर रखिए। फिर देखिए, ये मैंने अपना एक पैन रखा है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल में कुक करती हूँ, तो मैं मस्टर्ड ऑयल पहले डालूँगी। आप इसमें डिफरेंट वेरिएशंस भी कर सकते हैं। आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट बैंगन के ऊपर लगा सकते हैं। मैं सिंपल बना रही हूँ, एकदम बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, मैं इसके ऊपर बैंगन की जो स्लाइसेस मैंने बना के रखी हैं वो रख दूँगी। इसके आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। आप ये स्लाइस रखिए, उस पर थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल करके चीज़ डालिए, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा टिश्यू पेपर से पानी में रखा था, वो पानी इस पर बहुत ज़्यादा उछलेगा, तो टिश्यू पेपर से उसको पोंछ करके फिर मैं ऐसे ऑयल में रखती जाऊँगी। अभी मेरा ऑयल अच्छे से हीट अप हो गया है और मैं सारे अपने स्लाइसेस बराबर से रख दूँगी। कुछ लोग इसको बेसन लगा करके भी करते हैं, मैं आज सिंपल बना रही हूँ। ये आपको बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगता। इसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और नमक। ये ऐसे एक तरफ जब पक जाएगा तब मैं इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी पका लूँगी। इसको अगर आप ग्रिल पैन पर बनाएंगे तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये तो जस्ट सिंपली मैं आज घर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो भी बना लेती हूँ। कभी आप पार्टी में सर्व करिए तो ग्रिल पैन के ऊपर बनाइए, तो उसके ग्रिल के मार्क्स जब आएंगे तो वो और भी सुंदर लगेगा। अभी मैं दूसरी साइड भी ऐसे थोड़ा सा हल्दी, नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी, छिड़क दूंगी बराबर से। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, तो वो पाउडर भी आप इस समय इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसका फिर बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा अरोमा आता है। इसको पकने में 2 मिनट ज़रूर लगते हैं आपको, लेकिन वहीं पर रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी हटोगे तो ये ज़्यादा जल जाएगा। और साइड से आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि ऑयल मैं बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ, पहले भी मैंने 2 चम्मच कुल डाला था। इसको देखिए, अभी मैं पलट दूंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा सा लाल हो रहा है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए, दूसरी तरफ से भी अभी कर देती हूँ। ये थोड़ा पलटना बहुत सावधानी से होता है, क्योंकि बैंगन पकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ, मेरी झटपट से बनने वाली सब्जी। इसको मैं स्लाइस रख दूंगी और थोड़ा सा
इसके ऊपर भी मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी और साइड में लाइम जूस के साथ दूंगी। या आप स्नैक्स में भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी रेसिपी तैयार है, खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।